India with no active cases of coronavirus, and that's because Goa very strategically fought this virus out, and it's been victorious in this battle. There are no active cases in Goa. It became the first state in India which had cases earlier, but was able to overcome through the correct strategy. So these are visuals that are coming in from Goa of Corona warriors being felicitated and honored by the armed forces. You're looking at people who've gathered there, but people are following social distancing norms. They're wearing face covers as well, and they're looking towards the sky because there you are seeing a helicopter again showering petals. So this felicitation, this honor continues, wherein the armed forces, and now you're looking at the flower petals being showered from helicopters. And this नीचे डॉक्टर्स खड़े हैं और ऊपर जो है भारतीय वायुसेना का जो चॉपर है वो उनके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहा है. यह नज़ारा अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत दिल को छू लेने वाला नज़ारा है. और जो तमाम डॉक्टर्स लगातार दिन रात सेवा के काम में लगे हैं, उनके जो काम को एक तरह से कहें तो उनके काम को दरअसल सम्मान देने का दिन है. और ये आप देखिए कि फूलों की बौछार, फूलों की वर्षा लगातार जारी है. वो डॉक्टर्स जो दिन रात काम कर रहे हैं, जो दिन रात कोरोना से लड़ रहे हैं, और ये अपने आप में देखिए कितनी अच्छी अनुभूति होगी उन डॉक्टर्स के लिए जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे. उनके मन में आज किस तरह की भावनाएं जो हैं आ रही होंगी, हम कुछ डॉक्टर्स जब उनकी भावनाएं सामने आएंगी हम उस बारे में भी आपको बताएंगे और वो जानने की कोशिश भी करेंगे. लेकिन आप देखिए कि आपके लिए कितने बड़े सम्मान की बात है और कितना खास हो जाता है आज का दिन आपके लिए, उन डॉक्टर्स के लिए. ये लेह से भी हम आपको दिखा रहे हैं, लद्दाख में लेह से भी आपको दृश्य दिखाएंगे. वहाँ पर भी इस तरह से जो है लगातार चल रहा है. इस वक्त देश के दो हिस्सों से, गोवा से और लेह से हम आपको ये लगातार दिखा रहे हैं. लेह में भी देखिए चॉपर, भारतीय वायुसेना का चॉपर जो है वो उड़ान भरता हुआ आसमान से आपके ऊपर फूलों की बौछार हो रही है. अपने आप में ये एक बहुत ऐसा क्षण है जिसको शायद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाए. तो जो डॉक्टर आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनके लिए आज सम्मान का दिन है. आज इस बात को शायद वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे. ये विजयवाड़ा के दृश्य हैं. देखिए विजयवाड़ा में भी, और विजयवाड़ा में आप देखिए कि वहाँ पर भी चॉपर जो है आकाश में इस वक्त जो है उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. विजयवाड़ा में फूलों की बौछार करते हुए, और ये फूलों की बौछार जो है विजयवाड़ा में हॉस्पिटल्स के ऊपर है. नीचे तमाम स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी, उन्होंने तालियां बजाकर जो है इसका इस पूरी प्रक्रिया का उन्होंने जो है उसको तालियां बजाकर इसको स्वीकार किया. अपने आप में बहुत खास दिन देश भर से. लेह का दृश्य है, ये लेह में देखिए, लेह में जो है भारतीय वायुसेना का चॉपर इस वक्त, विमान जो है भारतीय वायुसेना का चॉपर इस वक्त आकाश में उड़ान भरते हुए लेह में दूर लद्दाख में, और लद्दाख से ये आप दृश्य देख रहे हैं. तो देश के हर कोने से इस तरह के दृश्य आज दिन भर आपको दिखाई देंगे, और इन दृश्यों को देखिए और साथ साथ आप भी जहां पर भी हैं वहां पर भी कोरोना योद्धाओं को सलाम कीजिए, प्रणाम कीजिए. उनका जो योगदान है इस लड़ाई में उसको स्वीकार कीजिए और साथ साथ उसका सम्मान भी कीजिए. So from Leh to Thiruvananthapuram, from Kutch to Dibrugarh, from different corners of the country, tributes are being paid to Corona warriors, including the medical fraternity, starting from doctors to ASHA workers. And these are visuals that are coming in from Vijayawada, where the flowering of petals has already taken place. And the medical professionals who have gathered here at a hospital in Vijayawada have accepted that by clapping their hands. So we are looking at a mutual appreciation that is taking place and felicitation that is taking place. And these visuals are coming in from Leh. This goes on to underscore that this is a countrywide tribute to Corona warriors that is taking place. And this is not a day's exercise. This is something that has been happening over weeks, where the nation has been paying tribute to these Corona warriors. In fact, the health fraternity has been saying that there needs to be a creation of awareness and greater understanding among the people about the kind of risks that health professionals and other Corona warriors are undertaking during these testing times. And they are not carriers of coronavirus. They should not be seen through that lens. They should be seen as those who are rendering human service to the country, those that are actually ensuring that all those who are COVID-19 positive recover.
and they are taking extreme care in that exercise, wearing PPEs, masks, etc. So they should not be seen as carriers of the infection, but they should be seen as someone who is standing as a wall between us and coronavirus. So this chopper that you are seeing is moving over the mountains of Leh. And in the evening, you'll look at some of the visuals from Thiruvananthapuram. And we've been telling you that from Srinagar to Chandigarh, from Vijayawada to Goa, these visuals have been coming in. And earlier you saw at the National Police Memorial how the armed forces paid their respects in honor of the police personnel who are ensuring that law and order is followed in these times, and that lockdown is implemented in letter and spirit. They are cooperating with the civil society, and the civil society is cooperating with them in order to ensure that we win this battle against coronavirus in the times to come, and we are surely and steadily moving in that direction as a country. जी, तो ये लेह का दृश्य है और दूर दराज के तमाम इलाकों में इस तरह की जो एक्सरसाइज है आज, वो तमाम एक्सरसाइज जो रोज़ वैसे चलती है किसी न किसी रूप में चलती है, लेकिन ये देखिए एसएनएम हॉस्पिटल लेह जो है, लेह का जो एसएनएम हॉस्पिटल है, ये वहाँ का दृश्य था और वहाँ पर तमाम स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो हॉस्पिटल के बाहर, और आकाश में जो है भारतीय वायुसेना का चॉपर आकाश में विचरण करता हुआ, फूलों की बौछार करता हुआ। तो ये जो दिन भर जो रोज़ एक्सरसाइज चलती है, आज उस एक्सरसाइज को, आज उस पूरी प्रक्रिया को जो कोरोना योद्धा है उनके नाम किया गया है, आज उनके सम्मान में ये पूरे दिन भर इस तरह की प्रक्रिया है। आप देखेंगे, आप अपने शहरों में, आप जिस भी शहर में हैं, इस तरह के फ्लाईपास, इस तरह से भारतीय वायुसेना के जो चॉपर्स हैं वो आप देख सकते हैं, अपने घरों में देख सकते हैं, अपने घरों में रहकर देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का फ्लाईपास आज देश के तमाम प्रमुख शहरों के ऊपर से होगा। और ये इस वक्त हम आपको हॉस्पिटल, एसएनएम हॉस्पिटल लेह के दृश्य दिखा रहे हैं। लेह में इस तरह से, लेह में आज, वहाँ पर भी, लेह में भी लगातार कोरोना योद्धाओं का सम्मान, और चॉपर आप देख रहे होंगे, चॉपर, दरअसल वो चॉपर जो है वो इस वक्त आपको दिखाई देगा, थोड़ी देर में आपको चॉपर दिखाई देगा कि किस तरह से वो चॉपर आकाश में लगातार घूम रहा है और कोरोना योद्धाओं को सलाम करने के लिए। आप देखिए ये चॉपर एसएनएम हॉस्पिटल के ऊपर से अब गुजरेगा कुछ ही पल। So the armed forces expressing their gratitude in a unique way to all the corona warriors, every person who's been... देखिए ये फूलों की बौछार हुई, पुष्प वर्षा एसएनएम हॉस्पिटल ले के ऊपर। So the corona warriors who are involved in providing support to the country and its people, in ensuring that all of us remain safe and overcome this problem in the days ahead, are being honored and felicitated by the armed forces. And these scenes are coming from different parts of the country, from Leh to begin with, where this chopper is flowering petals over the SNM hospital. So from the remotest corners of the country to the hinterland, this exercise is being undertaken. This is not restricted to the National Capital Territory, but this is an exercise that is covering each and every district of the country. अब सोचिए कितने गर्व की अनुभूति होती होगी आज, जो तमाम स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे विजयवाड़ा आप दृश्य देख रहे हैं, आपके बाई तरफ के जो दृश्य हैं वो विजयवाड़ा के हैं, विशाखापट्टनम के दृश्य हैं बाई तरफ, और अगर दाई तरफ देखें तो लेह के दृश्य हैं। तो आप देखिए कि अपने आप में कितने गर्व की अनुभूति होगी, कितनी सुखद अनुभूति होगी इन स्वास्थ्य कर्मियों को, कि जब इस बात को शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे कि जब वो कोरोना से जब लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे तो उनके सम्मान में भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना जो है उनके सम्मान के लिए खड़ी हो गई थी, और किस तरह से लगातार उनके ऊपर आज दिन भर स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर पुष्प वर्षा होती रही। स्वास्थ्यकर्मी नहीं बल्कि इसमें जो हॉस्पिटल के स्वच्छता कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे ज़रूर, क्योंकि आज इन सब का सम्मान करने का दिन है। ये सब कोरोना के योद्धा हैं जो लगातार आपके लिए, हमारे लिए लगातार जंग लड़ रहे हैं। जिस तरह से सीमाओं पर हम लोग घर में सोते हैं, और जिस तरह से सीमाओं के प्रहरी जो है, सेना जिस तरह से हमको सुरक्षित अपने घरों में रहने के लिए लगातार वो सेना पर, सीमा पर तैनात रहती है, और उसी तरह की तैनाती जो है
आज इन डॉक्टर्स की, इन सफाई कर्मियों की, स्वच्छता कर्मियों की, इन जो तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी जो है तैनाती हो रखी है, पुलिस कर्मियों की तैनाती हो रखी है, और लगातार इस तैनाती के बीच इस मुश्किल घड़ी में वो दिन रात अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने अपनों से दूर रहकर वो लगातार देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, और आज इसीलिए उनका इस तरह का सम्मान किया जा रहा है. A nation has shown the resilience to overcome such crises by staying together, and that is why the motto of this tribute has been saluting the corona warriors by the frontline warriors. And India is sure it will win this fight because India is waging a united battle against this pandemic. We've seen the manner in which health professionals have toiled day in and day out to ensure that those affected by the virus recover in the fastest time frame. And along with them, the nurses and other medical professionals, sanitation workers, police personnel, home guards, delivery boys, delivering essential commodities in the homes of people, and of course the media, which has